जरूरी सूचना है सभी स्टूडेंट्स के लिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी, मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर, स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR, इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, हम लोग सामान्य अध्ययन का क्विक रिवीजन कर रहे हैं। आज हम लोग कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक लिए हैं जो आपकी परीक्षा के लिए काफ़ी उपयोगी है, तो आइए हम लोग उसका क्विक रिवीजन करते हैं। सबसे पहले जो टॉपिक लिया गया आपका सुप्रीम कोर्ट है। भारत के सुप्रीम कोर्ट में जो है वर्तमान में कुल न्यायाधीशों जो अधिकतम संख्या हो सकती है वह मैक्सिमम आपकी 34 हो सकती है, और भारत के मुख्य न्यायाधीश और सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनकी जो नियुक्ति है वह राष्ट्रपति करते हैं। संविधान के अनुच्छेद 124 के खंड 2 के तहत जो है इनकी जो नियुक्ति है वह राष्ट्रपति इन्हें नियुक्त करते हैं। टोटल जो मैक्सिमम संख्या है न्यायाधीशों की सर्वोच्च न्यायालय में वह आपकी 34 है। आर्टिकल 143 में सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श की जो शक्ति है वह राष्ट्रपति को दी गई है, और यह जो परामर्श लिया जाएगा सुप्रीम कोर्ट से राष्ट्रपति द्वारा वह सिर्फ सलाहकारी होगा या बाध्यकारी नहीं होता है। इसके मानने ना मानने की जो शक्ति है वह राष्ट्रपति के पास है। इस प्रकार जो है सुप्रीम कोर्ट मैक्सिमम जजों की संख्या आपकी 34 है, और इसमें जो है मुख्य न्यायाधीश को जोड़कर बताया जा रहा है। बाकी इनकी जो नियुक्ति वह राष्ट्रपति करते हैं, और आर्टिकल 143 में कई बार परीक्षा पूछा गया है कि जो परामर्श करने की जो शक्ति है राष्ट्रपति के पास सुप्रीम कोर्ट से वो आपके आर्टिकल 143 में दिया गया है। भारत में कुल उच्च न्यायालयों की जो संख्या आपकी टोटल 25 है, और वर्तमान में हमारे मुख्य न्यायाधीश जो हैं वह न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ जी हैं, और यह भारत के 50वें जो है CJI हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, जिन्हें आप इस प्रकार से देख सकते हैं। और काफ़ी अच्छे हमारे न्यायाधीश हैं, मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ जी काफ़ी एक्टिव रहने वाले हैं। अगला जो टॉपिक है इनको भी आप लोग देख लीजिए। भारत के जो सेना प्रमुख हैं वर्तमान में हमारे चीफ ऑफ डिफेंस हैं जो है वह जनरल अनिल चौहान जी हैं। इसी प्रकार से सेना प्रमुख जो है जनरल उपेंद्र द्विवेदी जी हैं। वायुसेना प्रमुख जो है वह एयर प्रमुख मार्शल VR चौधरी जी हैं। एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी हमारे नौसेना प्रमुख हैं। तो ये हमारे तीनों सेना प्रमुख हैं, और ये आपके CDS हैं जनरल अनिल चौहान जी। नीति आयोग, यह जो है योजना आयोग के स्थान पर जो आपको बनाया गया था 1 जनवरी 2015 को। इसमें जो है अध्यक्ष होते हैं भारत के प्रधानमंत्री, अर्थात वर्तमान में जो है नीति आयोग के जो अध्यक्ष आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष हैं, और इसमें उपाध्यक्ष सुमन बेरी जी हैं। नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिसे हम लोग CEO के नाम जानते हैं वह श्री BVR सुब्रमण्यम जी जो है नीति आयोग के CEO हैं, और उपाध्यक्ष जो है सुमन बेरी जी हैं। अगला जो टॉपिक है भारत निर्वाचन आयोग। भारतीय संविधान के भाग 15 में जो है चुनाव संबंधित प्रावधान किया गया है, जिसमें चुनाव के संचालन के लिए एक आयोग की जो है स्थापना करने की बात कही गई है, और यह जो है संविधान के अनुच्छेद 124 से 129 तक जो है चुनाव आयोग और उसके सदस्यों की शक्तियों, कार्यकाल, पात्रता, कार्य सभी का जो है वर्णन आर्टिकल 324 से 329 तक। भारत निर्वाचन आयोग की जो स्थापना हुई थी 25 जनवरी 1950 को हुई थी, और यही कारण है हर वर्ष जो है 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है, और इसे जो है पहली बार 2011 में मनाया गया था। 1 अक्टूबर 1993 को जो है यह 3 सदस्यीय आयोग बनाया गया था, इससे पूर्व भी बनाया गया था, परंतु अब तक जो चल रहा है वो आपका 1 अक्टूबर 1993 के तहत चल रहा है। इसमें 3 सदस्य होते हैं, एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं, 2 आपके अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं। तो 3 सदस्यीय जो आपका आयोग होता है निर्वाचन आयोग। मुख्य निर्वाचन अधिकारी जो नियुक्ति है यह राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति भी जो है राष्ट्रपति ही करते हैं। इनका जो कार्यकाल होता है वह 6 वर्ष का होता है या 65 वर्ष जो भी पहले हो। यह आपके मुख्य निर्वाचन आयुक्त के बारे में बताया जा रहा है। अन्य जो निर्वाचन आयुक्त होते हैं, जो चुनाव आयुक्त होते हैं, इनका जो कार्यकाल हुआ भी आपका 6 वर्ष का होता है
या 62 साल जो भी इसमें जो है पहले हो। भारत के पहले चुनाव आयुक्त जो हुए थे वो आपके सुकुमार सेन भी हुए थे, या कई बार परीक्षा में पूछा भी गया है। और इनके जो कार्यकाल इनको जरूर नोट कर लीजिए, क्योंकि इनका कार्यकाल 6 वर्ष होता है, अक्सर लोग 5 साल लगा देते हैं, गलत हो जाता है उसमें। वर्तमान में जो है राजीव कुमार जी वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। बाकी अन्य जो दो चुनाव आयुक्त जिनका नाम आपका ज्ञानेश कुमार है, जिन्हें आप इस प्रकार से देख सकते हैं। दूसरे आपके सुखबीर सिंह सिंधु है, जिन्हें आप इस प्रकार से देख सकते हैं। तो ये आपके 3 सदस्य ही आयोग आपका है चुनाव आयोग, और राजीव कुमार जो है मुख्य चुनाव आयुक्त है। अगला जो टॉपिक है भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक, जिन्हें हम लोग कैग के नाम से जानते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 में भारत के राष्ट्रपति द्वारा एक नियंत्रक और महालेखा परीक्षक नियुक्त की जाएगी। इसका जो उल्लेख आपके आर्टिकल 148 में दिया गया है, और 149 में भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कर्तव्यों और शक्तियों से संबंधित प्रावधान दिया गया है। और यह जो इसका कार्य होता है, यह संघ और राज्यों के खातों का जो है विवरण देखता है। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक जो कार्यकाल होता है 6 वर्ष होता है, या 65 वर्ष आयु जो भी पहले हो उसमें। और कैग को जो है राष्ट्रपति द्वारा केवल संविधान में दर्ज प्रक्रिया के अनुसार जो है हटाया सकता है। इसे जो हटाता है वह राष्ट्रपति ही हटा सकता है इसके, और राष्ट्रपति जो है इसे नियुक्त भी करता है। और वर्तमान में हमारे जो है गिरीश चंद्र मुर्मू जो है, ये हमारे भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक है। इनकी नियुक्ति जो 2020 में की गई थी। सबसे इम्पोर्टेंट जो टॉपिक आज का आपका है, भारतीय संविधान के कुछ महत्वपूर्ण जो संविधान संशोधन किए गए, तो उनको हम लोग एक सरसरी निगाह देख लेते हैं। पहला जो संविधान संशोधन हुआ था 1991 हुआ था। भूमि सुधार एवं न्यायिक समीक्षा से जुड़े अन्य कानून जो है 9वीं अनुसूची के रूप में जोड़ा गया था। ये आपकी 9वीं अनुसूची जो जुड़ी थी वो आपकी 1951 में जुड़ी थी। 7वां संविधान संशोधन जो आपका 1956 में हुआ था, राज्यों के 4 वर्गों की जो है समाप्ति की गई थी, जैसे भाग खा इस प्रकार से जो बनाए गए थे, इनके स्थान पर टोटल 14 राज्य और 6 केंद्रशासित प्रदेश बनाए गए थे। यह भी कई बार परीक्षा पूछा गया था कितने राज्य कितने केंद्रशासित प्रदेश बनाए गए, तो आपके 14 राज्य और 6 जो है केंद्रशासित प्रदेश बनाए गए थे। 10वां संविधान संशोधन दादर और नगर हवेली को जो भारतीय संघ में जोड़ा गया था, और यह जो घटना हुई थी आपकी 1961 में हुई थी 10वां संविधान संशोधन। 21वां संविधान संशोधन आपका 1967 में हुआ था, इसमें जो है सिंधी भाषा 8वीं अनुसूची में 15वीं भाषा के रूप में जो है शामिल की गई थी। 31वां संविधान संशोधन 1972 में हुआ था, जिसमें लोकसभा की सीटों की संख्या पहले 525 से बढ़ाकर जो है 545 कर दी गई। यह भी कई बार परीक्षा में पूछा गया है। 42वां संविधान संशोधन ये काफी इंपॉर्टेंट है, यह संविधान का अब तक का जो है सबसे महत्वपूर्ण संशोधन माना जाता है, और इसी जो है कारण है लघु संविधान के रूप में भी जाना जाता है। इसने जो है स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश को जो है प्रभावी किया था, और इसमें जो है 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, 3 शब्द जोड़े गए थे, और सबसे महत्वपूर्ण संशोधन जो है इसे ही कहा जाता है, और यही कारण है लघु संविधान के रूप में इसे जो है जाना जाता है। नागरिकों द्वारा मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था, और इसके लिए जो है नया भाग 4 का जो है बनाकर ऐड किया जाता है। और इसमें जो है लोकसभा एवं विधानसभा कार्यकाल में जो है 5 से 6 वर्ष की जो बढ़ोतरी की गई थी, पहले 5 वर्ष का था, फिर 6 वर्ष बढ़ोतरी की गई थी। और भारत के किसी एक भाग में जो है राष्ट्रीय आपदा की जो है घोषणा का प्रावधान भी किया गया है। राज्य में राष्ट्रपति शासन कार्यकाल में जो है एक बार में 6 माह के लिए 1 साल तक बढ़ोतरी की सकती है। ये सभी प्रक्रिया जो है 42वें संविधान संशोधन में दी गई है। और 5 विषयों को जो राज्य सूची से जो है समर्थित सूची में हस्तांतरित किया गया है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि संविधान में हमारे 3 अनुसूचियों का वर्णन है, एक आपका संघ सूची है जिसमें केंद्र सरकार निर्णय ले सकती है, उसमें जो है अधिनियम बना सकती है, दूसरी आपकी राज्य सूची होती है जिसमें राज्य बनाता है, और एक आपका समर्थित सूची है जिनमें दोनों अपने अपने अधिनियम बना सकते हैं। इनमें जो 5 विषयों को राज्य सूची समर्थित सूची में जोड़ा गया था, जिनमें आपका शिक्षा है, वन है, वन्यजीव एवं पक्षियों का संरक्षण, नाप तौल और न्याय प्रशासन एवं उच्चतम और उच्च न्यायालय के अलावा सभी न्यायालयों का गठन और संगठन, ये सभी चीजें जो है संविधान के 42वें संशोधन में किया गया था। और यह जो हुआ था आपका 1976 में हुआ था, यह आपका 42वां संशोधन और 44वां संशोधन कई बार परीक्षा पूछा भी गया है, और कभी कभी कन्फ्यूजन भी लोगों को होता है। यहाँ पर आपने देखा 42 है तो 4 2 6 आपका लास्ट में होता है, और यह आपका 4 4 में 6, दूसरा आपका 44वां होता है तो 4 4 8 ये आपकी लास्ट में। इस प्रकार से भी आप याद कर सकते हैं 44वां संशोधन 1978 में, और 42वां संशोधन आपका 1976 में होता है। और 44वां संशोधन जो हुआ था 1978 में, लोकसभा और राज्य विधान मंडल के कार्यकाल को जो पूर्ववत रखा गया 5 वर्ष, क्योंकि बीच में जो है 5 वर्ष की जगह पर 6 वर्ष बढ़ा दिया गया था। और मूल अधिकारों की सूची से जो है संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया, और इसे जो है विधिक अधिकार बना दिया गया था। और आर्टिकल 20 और 21 द्वारा प्रदत्त
मूल अधिकारी जो है राष्ट्रीय आपातकाल में निलंबित नहीं किया सकता है। ये सभी जो प्रावधान है आर्टिकल 44 में दिया गया है। अगला जो संशोधन आपका 52वां संविधान संशोधन जो 1985 में हुआ था, इसे दल बदल विरोधी विधि के रूप में भी जाना जाता है। इसके तहत संसद या राज्य विधानमंडल के सदस्यों को दल बदल के मामले में निर्धारक ठहराने की व्यवस्था, इसके लिए विस्तार से 10वीं अनुसूची को जो है जोड़ा गया है। 52वां संशोधन ये आपका 1985 में हुआ था, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। 61वां संविधान संशोधन जो 1989 में हुआ था, लोकसभा विधानसभा चुनाव में जो मतदान की जो उम्र है वो आपका 21 वर्ष घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। यह जो प्रक्रिया हुई थी आपके 1989 में 61वां संविधान संशोधन के द्वारा हुई थी। फिर अगला आपका 69वां संविधान संशोधन जो आपका 1991 में है, इसके तहत जो है केंद्र शासित राज्य दिल्ली को विशेष दर्जा देते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र जो है बनाया गया था, और दिल्ली के लिए 70 सदस्यीय विधानसभा और 7 सदस्यीय जो है मंत्रिपरिषद की व्यवस्था भी की गई थी। 69वें संविधान संशोधन 1991 के तहत। अगला आपका 70वां संविधान संशोधन, राष्ट्रपति निर्वाचन में निर्वाचन कॉलेज के रूप में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली विधानसभा के सदस्य और केंद्र शासित राज्य पुडुचेरी को भी शामिल कर लिया है। अर्थात राष्ट्रपति का अगर निर्वाचन होगा तो उसमें दिल्ली और पुडुचेरी के जो सदस्य होंगे वह इसमें भाग लेंगे। यही दोनों केंद्र शासित प्रदेश जो है भाग लेते हैं राष्ट्रपति के निर्वाचन में। 71वां संविधान संशोधन आपका 1992 हुआ था, इसके तहत कोंकणी, मैथिली, मणिपुरी और नेपाली, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली भाषा को 8वीं अनुसूची में जो है शामिल किया गया था, और इसके साथ ही अनुसूचित भाषाओं की जो संख्या बढ़कर जो है 18 हो गई थी। इससे पहले कि हमारे क्रैश कोर्स शुरू किए गए हैं, यह जो क्रैश कोर्स है ये हमारे दोनों भाषाओं में है। यूपीपीसी 2024 प्री ओनली करंट अफेयर का जो ग्रुप है यह 2000 रुपये का है। यूपीपीसी 2024 प्री टेसरी जो करंट अफेयर जो ग्रुप है इसकी जो फीस आपकी 5000 रुपये है। यूपीपीसी प्री 2024 फुल पेड ग्रुप डाउट क्लियरेंस का जो ग्रुप है ये 9000 रुपये का है। यूपीपीसी 2024 फुल स्टडी मटेरियल ग्रुप विदाउट डाउट क्लियरेंस का जो ग्रुप है ये 6500 रुपये का है। ओनली स्टडी मटेरियल ग्रुप नो डाउट क्लियरेंस नो टेस्ट सीरीज का जो ग्रुप है ये 4000 रुपये का है। यूपीसी 2024 ओनली टेस्ट सीरीज का जो पेड ग्रुप है ये 3500 रुपये का, और इसमें टोटल जो है 40 टेस्ट दिए जाएंगे जिनमें 20 सेक्शनल होगा और 20 आपका फुल लेंथ टेस्ट सीरीज होगी। ओनली पेड क्विज का जो ग्रुप है यह 1200 रुपये का है। इनमें से कोई भी पेड ग्रुप आप लेना चाहते हैं तो ये हमारे 3 दिए गए नंबर है, इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके जो है जानकारी ले सकते हैं। अगर आप यूपीपीसी 2024 के लिए सिलेक्शन मटेरियल आप लेना चाहते हैं जिनमें पूरा जीएस होगा और आपका करंट अफेयर होगा, और यह टोटल जो है 844 पेज का है। इस सिलेक्शन मटेरियल जो कीमत है वो 3000 रुपये है। अगला जो संशोधन हुआ था 93वां संविधान संशोधन 1992 में, इसमें पंचायती राज संस्थाओं को जो है संवैधानिक स्थिति और सुरक्षा प्रदान की गई थी, और इस उद्देश्य के लिए संशोधन में नया भाग 9 जोड़ा गया था जिसे पंचायत नाम दिया गया था। 11वीं अनुसूची में पंचायत के जो है 29 कार्यात्मक मदें भी जोड़ी गई थी। 74वां संविधान संशोधन आपका 1992 में हुआ था, और इसके तहत जो है शहरी स्थानीय निकायों को संवैधानिक स्थिति और सुरक्षा प्रदान की गई थी। इस उद्देश्य के लिए संशोधन ने नया भाग 9 का जोड़ा गया था जिसे नगर पालिका नाम दिया गया था, और नई 12वीं अनुसूची में जो है नगर पालिकाओं के 18 कार्यात्मक मदें भी जोड़ी गई थी। अगला आपका है 84वां संविधान संशोधन आपका 2001 में हुआ था, लोकसभा और राज्य विधानसभा सीटों के पुनर्निर्धारण में 25 वर्ष के लिए जो है जो हमारा आने वाला अगला 2 वर्ष में है 2026 तक जो है पाबंदी बढ़ाई दी गई थी। ऐसा जनसंख्या को सीमित करने के लिए किया गया था। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं लोकसभा विधानसभा की सीटों की संख्या 2026 तक जो है यही रहेगी। यह व्यवस्था भी की गई कि राज्यों में निर्वाचन क्षेत्रों का पुनर्निर्धारण 1991 की जनगणना के आधार पर ही होगा। यह कई बार परीक्षा में पूछा भी गया है। अगला आपका 86वां संविधान संशोधन आपका 2002 है, कई बार परीक्षा में पूछा भी गया है। प्रारंभिक शिक्षा को मूल अधिकार जो है इसके तहत बना दिया गया है, और इसके तहत अनुच्छेद 21 का में जो घोषणा की गई है राज्यों को 6 से 14 वर्ष तक बच्चों को जो है निःशुल्क प्रारंभिक शिक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए। इसका जो लेख है यह 86वें संविधान संशोधन आपके 2002 के तहत किया गया है। और नीति निर्देशक तत्वों के मामले जो है आर्टिकल 15 की जो विषय वस्तु बदल दी गई है, और हमारे आर्टिकल 51 का के तहत एक नया मूल कर्तव्य जोड़ा गया था जिसे पढ़ा गया है। यह हर भारतीय नागरिक का कर्तव्य होगा कि वह अपने बच्चे को चाहे वह उसके माता पिता हों या अभिभावक हों 6 और 14 वर्ष तक उम्र तक जो है शिक्षा की सुविधा उपलब्ध कराए। ये हमारे आर्टिकल 51 का में दिया गया है। अगला आपका 89वां संविधान संशोधन आपके 2003 में हुआ था, इसके तहत जो है
राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग को जो है दो भागों में विभाजित कर दिया गया था। क्रमशः जो है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग जो है वो बना दिया गया था। दोनों आयोग में एक अध्यक्ष होंगे, एक उपाध्यक्ष होंगे और तीन जो आपके अन्य सदस्य होंगे। और इनकी जो नियुक्ति है ये राष्ट्रपति करेंगे। इसका जो लेख है नवासीवां संविधान संशोधन आपका 2003 में हुआ था। अगला आपका 91वां संविधान संशोधन आपका जो 2003 में हुआ था, इसके तहत जो है मंत्रिपरिषद के आकार को निश्चित कर दिया गया था। इसका उद्देश्य दोषियों को लोक पद धारण करने से रोकना और दल बदल कानून को जो है मजबूती प्रदान करना था। और केंद्रीय मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित जो है जो अधिकतम संख्या हो सकती है लोकसभा के सदस्यों की वो 15% से अधिक नहीं हो सकती है। जो मंत्रियों का अधिकतम जो संख्या हो सकती है केंद्रीय मंत्रिमंडल में वह प्रधानमंत्री सहित जो है 15% से अधिक नहीं हो सकती है। और दूसरा जो इसमें प्रावधान किया गया था राज्य मुख्यमंत्री समेत मंत्रियों की जो अधिकतम संख्या हो सकती है वो विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं हो सकती है। किंतु कुछ राज्यों में जो मुख्यमंत्री समेत मंत्रियों की न्यूनतम संख्या आपकी 12 से कम नहीं होगी। ये दोनों फैक्ट आपकी परीक्षा के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। 15% हो अगर संख्या पूछी जाए आपके कुछ राज्यों में वह न्यूनतम 12 तक हो सकती है। 92वां संविधान संशोधन आपके 2003 में हुआ था। इसके तहत जो है संविधान की 8वीं अनुसूची में 4 अन्य भाषाएं जोड़ी गई थी और यह भाषाएं आपकी थी बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। तो इस प्रकार जो है अनुसूचित भाषाओं की जो कुल संख्या हो जाती है आपकी टोटल 22 हो जाती है। और यह वर्तमान में भी आपके 22 भाषाएं हैं हमारे 8वीं अनुसूची में जिनमें आपका भाषाओं का प्रावधान है। 14 भाषाओं को जो शुरू में संविधान में शामिल किया गया था। इसके बाद आपका सिंधी को 67 में, 21वीं संविधान संशोधन जो जोड़ा गया था, 1992 में 71वां संविधान संशोधन द्वारा कोकड़ी, मणिपुरी जिसे हम लोग मैथिली कहते हैं और नेपाली भाषा को जोड़ा गया था। 93वां संविधान संशोधन आपका 2005 में हुआ था। राज्यों को सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए जो है शैक्षणिक संस्थाओं में आरक्षण प्रदान करने के लिए विशेष उपबंध बनाने के लिए प्रावधान किया गया था। और यह जो है शैक्षणिक संस्थाओं में निजी संस्थान भी जो इसमें शामिल थे। 7वां संविधान संशोधन जो आपका 2015 में हुआ था, भारत और बांग्लादेश भूमि सीमा समझौता हुआ था। कुछ क्षेत्र भारत ने बांग्लादेश के दिए थे, बांग्लादेश ने कुछ क्षेत्र भारत को भी दिया था। यह जो संशोधन हुआ था आर्टिकल, यह आपका संशोधन संविधान संशोधन था जो आपका 2015 में हुआ था। 101वां संविधान संशोधन जो 2016 में हुआ था जीएसटी वाला, वस्तु और सेवा कर। परिचम सीधे पूछता है कि जीएसटी के लिए कौन संशोधन हुआ आपका, वो आपका 2016 में 101वां संविधान संशोधन हुआ था। 102वां संविधान संशोधन आपका राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को जो है संवैधानिक दर्जा दिया गया जो 1993 में संसद के एक अधिनियम दर्जा स्थापित किया गया था। पिछड़े वर्गों के संबंध में अपने कार्यों से राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग को जो है राहत दी गई थी। और राज्य और संघ राज्य क्षेत्र के संबंध में जो है सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों को निर्दिष्ट करने के लिए राष्ट्रपति को जो है अधिकार भी दिया गया था। 103वां संविधान संशोधन 2019 में हुआ था। नागरिकों किसी भी आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की उन्नति के लिए कोई विशेष प्रावधान करने के लिए राज्य को सशक्त बनाया था। और यह बात हो रही है आपके ईडब्ल्यूएस के बारे में, राज्य को ऐसे वर्गों के पक्ष में 10% नियुक्ति या पदों के आरक्षण का जो है प्रावधान करने की अनुमति दिया गया था। तो ईडब्ल्यूएस का जो संशोधन हुआ था वो 2019 में 103वां संविधान संशोधन था। अगला आपका 104वां संविधान संशोधन, और इसके संविधान संशोधन ने जो है लोकसभा और राज्य विधानसभा में एंग्लो इंडियन का जो सीटें आरक्षण को जो है समाप्त कर दिया गया है और एससी और एसटी के लिए आरक्षण को 10 साल के लिए और बढ़ा दिया गया है। और यह आपका 2030 तक इसका वैलिडिटी होगी। तो राज्य विधानसभा और लोकसभा में जो है जो एंग्लो इंडियन के लिए सीटें रिजर्व थी उनको जो है समाप्त कर दिया गया है। यह आपका 104वां संविधान संशोधन था। अगला आपका 106वां संविधान संशोधन जो आपका 2023 में हुआ था। यह अधिनियम लोकसभा प्रत्येक राज्य की विधानसभा और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के विधानसभाओं में कुल सीटों में से 1/3 सीटों को जो है 15 वर्षों के लिए महिलाओं के लिए आरक्षित करने का प्रावधान करता है। और इस संशोधन का उद्देश्य नीति निर्माण में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाना है। तो 1/3 जो सीटें होंगी वह महिलाओं के लिए आरक्षित होगी 15 वर्षों के लिए। इसके लिए हमारे संविधान में 106वां संविधान संशोधन किया गया 2023 में। तो इस प्रकार जो है हम लोग आज कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक थे उनको हमने डिटेल में क्विक रिविजन जो है कवर कर लिए हैं। आशा है आप सभी को बहुत कुछ जानने को मिला होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।